डॉक्टर बीरेंद्र आपका स्वागत करता हूं बीरेंद्र आयुर्वेदा चैनल पर। मैं आपको दर्दनाशक तेल का एक जोक बतला रहा हूं। कुचला जो है 3 ग्राम ले लीजिए, आपको सिंघिया बीस जो है 3 ग्राम ले लीजिए, और धतूर का रस जो है 25 ग्राम ले लीजिए, और अफीम जो है 2 ग्राम ले लीजिए, नारायण तेल 10 ग्राम ले लीजिए, महाविषगर्भ तेल 10 ग्राम ले लीजिए, और कपूर जो है 6 ग्राम ले लीजिए। इतने औषधि को लेकर पहले जो है कुचला और सिंघिया बीस को सील पर पीस कर दीजिए, एकदम सील पर पीस लीजिए, और पीसने के बाद आपको पाव भर तिल का तेल लेकर और उसी में डालकर अग्नि पर चढ़ा दें, और उसमें 2 ग्राम जो अफीम लिए हैं उसको अफीम को भी उसमें तेल में डाल दे। आपको कुचला और सिंघिया बीस को सील पर पीस कर पाव भर तिल के तेल में डालकर अफीम जो है 2 ग्राम वो भी उसमें डाल दीजिए, तीनों औषधि को डाल दीजिए, और अग्नि पर मंद मंद अग्नि पर उसको पकाइए। जब औषधि जल जाए, जलने के बाद उसको उतार कर ठंडा होने पर छान लीजिए, और छानने के बाद आप उसमें जो है 10 ग्राम नारायण तेल जो लिए हैं उसमें मिला दीजिए, और महाविषगर्भ तेल जो लिए हैं 10 ग्राम उसको भी मिला दीजिए, और कपूर जो लिए हैं 6 ग्राम उसमें 6 ग्राम कपूर भी डालकर 3 दिन छोड़ दीजिए। 3 दिन के बाद 4th दिन जो है आपको शरीर के किसी भी अंग पर तेज वेदना है यानी तेज दर्द है वहाँ पर मालिश कीजिए। मालिश करने से दर्द जो है सदा के लिए समाप्त हो जाता है। जैसे गठिया का दर्द, संधि शूल का दर्द, संधि पात का दर्द, साटिका का दर्द, पैरालिसिस का दर्द आदि सभी व्याधि में इसको आप जो है तेल को मालिश कर सकते हैं। तेल जो है बहुत अच्छा है, और स्किन पर आप देखकर इस तेल का योग जो है उतार लीजिएगा, और स्वयं निर्माण करके आपको गठिया के रोगी या साटिका का या पैरालिसिस का या पात व्याधि का रोगी को मालिश करने से दर्द जो है समाप्त हो जाता है। और इस वीडियो देखने के लिए मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।